मोबाइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ये रैम जेट क्लियर। ये रैम जेट एक्चुअली इनबिल्ड होता है, इसको कैसे लाएं ये एक बहुत ही मेरे को, मैं बहुत समय तक सर्च करता रहा कैसे करना कैसे करना, पर मुझे मिला नहीं। पर फाइनली आज मैंने इसे ढूंढ लिया। एक्चुअली इसके लिए क्या करना होता है, हर मोबाइल में, अपने मोबाइल में जो एक सिक्योरिटी का एक फंक्शन होता है, इस सिक्योरिटी फंक्शन में जाना है। फिर यहाँ पे क्लीनर का ऑप्शन होता है, ये क्लीनर वाला है ना, क्लीनर में जाओ या फिर सेटिंग में भी जा सकते हो, दोनों में से किसी में जाते हो। क्लीनर में जाते हैं, इस क्लीनर में जाने के बाद यहाँ पे एक सबसे ऊपर सेटिंग का एक ऑप्शन होता है, इस सेटिंग में ऑप्शन जाओ। अब कई बार ऐसा हुआ कि ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है होम स्क्रीन शॉर्ट कर, ये कई बार ओपन रहेगा फिर भी वो जो है दिखेगा नहीं हमें, तो उसको कहीं कुछ नहीं करना है, एक बार ऑफ़ करना है, एक बार ऑन करना है। जैसे तुम एक बार ऑफ़ करके ऑन करोगे ये एक हमारे सामने बन के आ जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या अगर मैं बस मैं दो बना सकता हूँ क्या इनको, एक सेकेंड यार, तुम देखना चाहता हूँ कि एक और बनता है कि नहीं बनता है। मैं इसको ऑफ करता हूँ फिर मैं इसको ऑन करता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, एक और बन गया, सी एक यहाँ पर ऑलरेडी है, कहाँ गया, एक सेकेंड। सो मैंने टेस्ट कर लिया है, ये सिर्फ एक ही हो सकता है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इसको इस फोल्डर में डाला और फिर मैंने वहाँ पे जाके वो किया, मैंने वहाँ पे जाके रिफ़्रेश, यहाँ पे जाके मैंने ऐसे किया, ऐसे जाके मैंने ऐसे किया, तो मैंने देखा कि ये फिर यहाँ से हट गया और ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। तो ये एक ही बनेगा है ना, एक ही बन सकता है, इसलिए तो ये भी एक पॉइंट है, तो हमेशा ध्यान रखना। और इसको ऐसे लाते हैं, इसको इसको करने से